क्वेश्चन नंबर फोर छोड़ रखा था। अब इसके अंदर सिर्फ आपने क्या करना है, ये बताना है कि किससे इनफ्लो हो रहा है, किससे आउटफ्लो हो रहा है, किसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। सिर्फ वो चीज़ आपने बतानी है। अगर आपको दिखता है कि कैश आ रहा है तो आप कहना इनफ्लो हो गया, अगर आपको दिखता है कैश जा रहा है तो आप क्या कहोगे, आउटफ्लो हो गया, ठीक है। और आपको दिखता है कि कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो आप बोलना नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट आपका कैश पे नहीं होगा। अब जैसे मैं कर लेता हूँ फोर्थ के, जैसे ये सारे डिसीजन आपको दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास इसमें, कि किससे इनफ्लो हो रहा है, किससे आउटफ्लो हो रहा है। अब जैसे परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, अब कैश आ रहा है जा रहा है, देखिए आप जा रहा है ना, तो ये क्या कहेंगे, आउटफ्लो। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अब क्रेडिट से कुछ भी नहीं होगा, आपने गुड्स क्रेडिट में खरीदा है, ना तो कैश आया ना कैश गया, तो आप कहेंगे नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट आपका नहीं हुआ। देखिए आंसर देते रहेंगे, जैसे फर्स्ट का आउटफ्लो है, सेकंड का क्या रहेगा, नो इफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑफ गुड्स, 10,000 का हमने सोल्ड किया कितने में, 12,000 फोर क्या है कैश, अब कैश में सोल्ड कर दो, कैश तो आएगा ही ना, चाहे जितना मर्जी कैश आ रहा है, कैश आ रहा है यानी इनफ्लो है। नेक्स्ट आ रहा है सेल ऑफ गुड्स और क्रेडिट, अब गुड्स आपने क्रेडिट में बेचा है, नो फ्लो, क्रेडिट में हम डेटर बनते हैं और गुड्स जाएगा इस पर, नो फ्लो, कोई कैश आपका ना तो कैश आ रहा है ना कैश आपका क्या जा रहा है, तो नो इफेक्ट बोल देना। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय इशू ऑफ शेयर, हमने फिक्स एसेट खरीदे हैं, बदले में क्या इशू करें, शेयर इशू करें, इसका भी नो इफेक्ट पड़ेगा, ना तो आपका फिक्स एसेट्स आता ना इसमें शेयर आते आपके, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब फिक्स एसेट्स खरीदा बदले में शेयर दे दिए, तो कैश का कोई इनफ्लो आउटफ्लो आपका नहीं हुआ, छोड़ देंगे, इसमें नो इफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ फिक्स एसेट बुक वैल्यू 15,000 का, कितने लॉस पर बेचा, 5,000। अच्छा देखिए अब कितना कैश आएगा, 10,000 आ रहा है ना कैश, अब कैश आ रहा तो नहीं, क्या हो गया, इनफ्लो हो गया, क्या हो गया, इनफ्लो। नेक्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये भी कैश आ रहा है यानी इनफ्लो है आपका, ठीक है। कैश पेड टू ट्रेड पेबल, ये कैश जा रहा है यानी क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। शेयर इशूड फॉर कैश, अब शेयर इशू करेंगे कैश आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता है, ये भी आपका इनफ्लो है। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, अपने शेयरों को वापस कर दिया, पेमेंट कर दी, वापस कर दिया यानी आउटफ्लो हो गया। इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, हमने पूरे बोनस, अभी मैंने बोनस शेयर वाला पॉइंट पीछे कराया था आपको, और मैंने कहा था बोनस शेयर के बदले में ना तो कैश आ रहा है ना कैश को ही जाता है, यानी ये भी आपका नो इफेक्ट है, नो फ्लो है, ठीक है। नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ बैड डेट्स अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका भी नो फ्लो रहना, क्योंकि हमें बैड डेट्स राइट ऑफ करें किसके अगेंस्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है डिविडेंड प्रपोज बाय डायरेक्टर, देखिए इसका भी नो इफेक्ट रहेगा, जो कि डिविडेंड जो प्रपोज होता है ना वो इमीडिएट पे नहीं करते हम लास्ट ईयर का पे करते हैं, ये जो इस साल आपने डिविडेंड प्रपोज किया वो नेक्स्ट ईयर पे होगा। आपको मैंने क्वेश्चन भी सारे कराए, उसमें प्रीवियस ईयर का ही लेते थे, करंट का हम नहीं लेते थे, लेकिन जो दूसरे डिविडेंड होते हैं जैसे इंटरिम डिविडेंड है या फाइनल डिविडेंड है, वो डिक्लेयर होते ही पेड हो जाते हैं यानी आउटफ्लो हो जाता है। अब जैसे डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, ये डिक्लेयर होते ही पे हो जाएगा यानी आउटफ्लो है, क्या ये आउटफ्लो। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कैश डिपोजिट इन टू बैंक, बैंक में हमने क्या जमा कराया, कैश जमा कराया, तो ये अब मुझे बताओ जब हम लास्ट में कैश बैंक दोनों को छोड़ देते हैं ना, कैश बैंक करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये एक इक्विवेलेंट का दूसरे इक्विवेलेंट में ट्रांसफर है, यानी इसका भी नो फ्लो बताना है, क्योंकि कैश और बैंक हम दोनों को छोड़ते हैं लास्ट में करने के लिए, तो यानी एक इक्विवेलेंट का दूसरे इक्विवेलेंट में ट्रांसफर है, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है दोनों, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, नो इफेक्ट दिखा देंगे। ऐसी सेम है कैश विदड्रॉन फॉर बैंक, ये भी बैंक से कैश निकलवाया, ये भी आप नो फ्लो, ठीक है। कोई कैश बैंक दोनों को हम छोड़ते हैं लास्ट में लेते हैं, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं, दोनों पार्ट हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। अब ऐसी मार्केट ऑफ सिक्योरिटी, ये करंट इन्वेस्टमेंट होती है, और करंट इन्वेस्टमेंट को भी आप छोड़ते हो, कैश बैंक करंट इन्वेस्टमेंट, अगर आप उसमें इन दोनों में इनमें चेंज हो रहा है तो आप नो फ्लो कहेंगे, कोई इफेक्ट नहीं करेगी। ऐसी सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट फॉर कैश है, इसका भी नो फ्लो रहेगा आपका, क्या रहेगा, नो फ्लो, इस पर कोई चेंज आपका नहीं आएगा, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट भी छोड़ते हैं, कैश भी छोड़ते हैं, बस इसके अंदर सिर्फ यही बताना था, इससे इनफ्लो हो रहा है, किससे क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इसमें भी आपने इनफ्लो और आउटफ्लो बताना है और नो फ्लो बताना है। जैसे शुरू करते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर, कैश आ रहा है इनफ्लो, इश्यू डिबेंचर टू द वेंडर फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, इसमें भी नो चेंज, मशीनरी और बदले में डिबेंचर दिए, नो इफेक्ट, कोई भी कैश आ ना तो कैश आ रहा है ना कैश क्या हो रहा है जा रहा है, नो फ्लो, नो इफेक्ट। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर 10,000 एट कितने परसेंट में खरीदे, अब कई बार क्या करते हैं अपने डिबेंचरों को ना खरीद के रिडम्शन करते हैं, ओन डिबेंचर को मार्केट से खींचना यानी रिडम्शन करना, पैसा वापस करना, कैश जा रहा है तो जा रहा है तो क्या रहेगा, आउटफ्लो रहेगा। ऐसे रिडम्शन डिबेंचर, ये भी कैश आपका जा रहा है यानी क्या रहेगा, आउटफ्लो रहेगा। नेक्स्ट है रिडम्शन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्टिंग दैम इन टू इक्विटी शेयर, अब इक्विटी शेयर के बदले में हमने क्या दे दिए, डिबेंचर के बदले में हमने इक्विटी शेयर दे दिए, इसमें भी नो फ्लो रहेगा, ना तो डिबेंचर इसमें ना तो कैश आया ना कैश आपका गया। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ये भी आपका आउटफ्लो है, कैश जा रहा है। परचेज ऑफ पेटेंट, ये भी आउटफ्लो है, कैश जा रहा है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर,
अब हमने फर्नीचर पे क्या लगाया, डेप्रिसिएशन लगाया, ये भी आपका नो फ्लो है क्योंकि एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ना तो कैश आ रहा है ना कैश आपका क्या हो रहा है जा रहा है। नेक्स्ट है ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ, ये भी कोई नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीवियस मंथ के हमने पेमेंट किया, यानी कैश जा रहा है यानी आउटफ्लो हो गया। डेफर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू प्रॉफिट, ये भी नो फ्लो, कोई फ्लो नहीं होगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड हो या इंटरिम डिविडेंड हो जो पीछे आया था, ये डिक्लेयर होते ही पे हो जाते हैं, इसलिए इसका आपका रहेगा आउटफ्लो, क्या रहेगा आउटफ्लो, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। और एक पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड, ये भी आपका आउटफ्लो है, क्या रहेगा आउटफ्लो। तो ये फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपके और हो गया है, फोर्थ भी करना है और आपने साथ भी क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन भी करना है और एक थोड़ा सा कुछ आपको याद भी करना है। देखिए हम क्या करते हैं, दो प्रकार की कंपनी होती है जिसका हम कैश फ्लो बनाते हैं। हमने जो पीछे किया है, जितने कैश फ्लो बनाए हैं सब नॉन फाइनेंस कंपनी का है, लेकिन एक फाइनेंसिंग कंपनी भी होती है, उनका भी कैश फ्लो बनता है, लेकिन वो हमारे इतना हमने किया नहीं, सिलेबस में है भी नहीं इतना, लेकिन थ्योरी में थोड़ा आ जाता है कि फाइनेंसिंग कंपनी कौन सी होती है, नॉन फाइनेंस कंपनी कौन सी होती है। देखिए बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी और म्यूचुअल फंड कंपनी होगी, ये तो आपकी है फाइनेंस कंपनी, कौन सी कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी है। और एक जो आपकी नॉन फाइनेंसिंग कंपनी में ट्रेडिंग कंपनी आता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आती है और या दूसरे बिजनेस आते हैं जिसका हम कैश फ्लो बना रहे थे ना, वो सारी आपकी मैंने जो किया है नॉन फाइनेंस कंपनी का किया है। लेकिन फाइनेंस कंपनी का थोड़ा सा आपको याद करना है कि कौन कौन सी कंपनी होती है, एक तो बैंक, इन्वेस्टमेंट कंपनी और म्यूचुअल फंड कंपनी, ये सब कौन सी कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है। तो इससे कुछ रिलेटरी आइटमें हैं जिसके बारे में थोड़ा सा आपने याद करना है, मैं आपको भेज भी दूंगा, आपने नोट भी कर लेना है। एक तो सी नंबर आइटम है फाइनेंस कंपनी में कहाँ जाएगा और नॉन फाइनेंस कंपनी में कहाँ जाएगा, केवल थ्योरी में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। नॉन फाइनेंस का तो आपने किया, जैसे मैं पहले नॉन फाइनेंस की बात ही करूँगा। देखो डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, बताना क्या करते थे आपको कि सर, एक बार तो ऑपरेटिंग में लेस करते थे, दूसरा आप इन्वेस्टिंग में क्या करते थे, ऐड करते थे। मेन हम इन्वेस्टिंग की आइटम मानते हैं, जहाँ पे हम ऐड करते हैं ना वो आइटम मेन है, ध्यान रखना। ऊपर तो लेस इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें ऐड और होता है और हमें नॉन फंड ऐड में घटानी पड़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मेन आइटम दूसरी बार कहाँ जाती है, इन्वेस्टिंग में, उसको बताना है। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड हमने किया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, होता है नॉन फाइनेंस कंपनी का। ऐसे ही आपने डिविडेंड रिसीव्ड किया है, वो भी आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में याद कराया था आपको मैंने। ऐसे आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट पेड है, वो मैंने आपको फाइनेंसिंग में याद कराया था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है नॉन फाइनेंस कंपनी के अंदर। और एक आपको मैंने डिविडेंड पेड याद कराया था, वो भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है नॉन फाइनेंस कंपनी के अंदर। और लेकिन और एक आपकी है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, यानी परचेज और सेल करेंगे, ये आपका इन्वेस्टिंग में आता है ना, ये किसके अंदर आता है, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के अंदर आते हैं। लेकिन अगर फाइनेंस कंपनी हुई, कौन सी कंपनी हुई, फाइनेंस कंपनी हुई, तो जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, इंटरेस्ट पेड है, तीनों ऑपरेटिंग में आते हैं क्योंकि इसकी मेन एक्टिविटी है ये फाइनेंस कंपनी की, इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, इंटरेस्ट पेड करना मेन एक्टिविटी होती है फाइनेंस कंपनी की, इसलिए इसको हम ऑपरेटिंग में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और उसके बाद जो आपका ये है डिविडेंड पेड है, ये तो फाइनेंसिंग में भी आएगा, दोनों का फाइनेंसिंग में आता है, इसका भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, इसका भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आएगा, ठीक है। और एक आपका आता है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, ये भी मेन एक्टिविटी होती है इनकी फाइनेंस कंपनी की, इसका भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाना, ठीक है। कहाँ दिखाओगे इसको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाओगे। इसका तो इन्वेस्टिंग में आता है परचेज सेल, इसका कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। तो ये आपने अच्छी तरह से नोट भी कर लेना और याद भी कर लेने, कि 1 मास का क्वेश्चन आता है जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय फाइनेंस कंपनी, तो ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा, तो उसको क्या कहोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाना है, ठीक है, ये आपने करना है। और एक आगे करते हैं, एक तो इंश्योरेंस कंपनी, कौन सी कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी, उसमें प्रीमियम मिलता है, प्रीमियम रिसीव्ड, क्लेम पेड, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, ध्यान रखना, प्रीमियम रिसीव्ड, क्लेम पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में याद करना इसको, कौन सी कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का। ऐसे रियल एस्टेट बिजनेस होते हैं, प्रॉपर्टी का काम नहीं करते, प्रॉपर्टी डीलिंग का, इनके जो परचेज और सेल करेंगे लैंड की या रेंट रिसीव्ड करेंगे, परचेज एंड सेल ऑफ लैंड या रेंट रिसीव करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाओगे इसको आप, ठीक है। दोबारा आपका रियल एस्टेट बिजनेस या प्रॉपर्टी डीलर का जो काम कर रहे हैं, उसके लिए परचेज और सेल ऑफ लैंड और रेंट रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और एक लास्ट आता है इसमें, एक होता है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जो कंप्यूटर बनाने का काम करती है, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग और सेल करना कंप्यूटर का, मैन्युफैक्चरिंग करना, सेल करना किसकी, कंप्यूटर की, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाओगे, उनकी मेन एक्टिविटी होती है ये, ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करोगे इसको, ये ध्यान में रखना। हाँ जी बोलो, समझ में आ गए पॉइंट ये वाला सबको, तो ये मैं आपको भेज भी दूंगा, आप इसको लर्न भी करना, अच्छी तरह याद करना इसको और इसको नोट भी कर लेना आपने,
कि ये हमारी कौन कौन सी एक्टिविटी में आते हैं, जो फाइनेंस कंपनी और नॉन फाइनेंस कंपनी के ऊपर ही ध्यान रखना, ठीक है। तो आज इतना करते हैं, बाकी थोड़ा सा बहुत कम बचा कल के लिए, कल करेंगे बाकी, आज के लिए।